नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से सामने हूँ आपके। देखो भाई, अभी ग्रुप डी की परीक्षाएं खत्म हो गई और बहुत जल्दी एएलपी और टेक्नीशियन की नोटिफिकेशन आने वाली है। लेकिन बच्चों के मन में जो सबसे बड़ा डाउट है किसी बात को लेके, वो ये है कि बेसिक साइंस और ये इंजीनियरिंग क्या होता है ना। और ये इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आपका पार्ट बी होगा, पार्ट ए होगा, और ये पार्ट किसका होगा, सीबीटी 2 का पार्ट ए, तो उसमें पूरा ना पूरा 40 क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए ना, पूरा 40 क्वेश्चन यही कवर करता है, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग, है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और इससे प्रश्न आपके जब 40 पूछे जाते हैं तो हमें ये देख लेना जरूरी है कि कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसके सिलेबस में हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो अगर आप थोड़ा गौर से देखिए तो पहला जो टॉपिक है इंजीनियरिंग ड्राइंग, हालांकि ये अपने आप में वैसे ही खूब बड़ा टॉपिक होता है क्योंकि इसमें प्रोजेक्शन आ जाते हैं, प्रोजेक्शन के अलावा एलिवेशन हो गया और भी बहुत सारे छोटे छोटे टर्म हैं, नॉमनक्लेचर है, वो आ जाते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ बेसिक साइंस के पहले टॉपिक की, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग लगभग आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 40 में से। यूनिट और मेजरमेंट, इसके भी कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यूनिट और मेजरमेंट के। बाकी मास, वेट और डेंसिटी के ज्यादा नहीं, 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। वर्क पावर और एनर्जी, हाँ, इसके भी कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा स्पीड और वेलोसिटी, ये हमारा 2 से 3 आता है, ज्यादा नहीं आता। इसके अलावा एक और टॉपिक है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, जो आप लोग अभी ग्रुप डी में पढ़ा करते थे ना, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें भी आपको कम से कम इसके 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। लीवर्स और सिंपल मशीन, एक्चुअली में जो लीवर्स होते हैं उत्तोलक होते हैं, आपको पता है फर्स्ट हैंड, सेकेंड हैंड, थर्ड हैंड, और सिंपल मशीन में बहुत सारी सिंपल मशीन आती है, मैं जब पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। वेस्टर्न टी, वैसांतरी, ढिरनी, है ना, और पुली हो गया, और फिट्स पुली, मूवेबल पुली, फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली, ये सब सिंपल मशीन में आते हैं, है ना। तो इनके भी आपको कम से कम 3 से 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। हीट एंड टेम्परेचर, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। आईटी लिटरेसी, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन हेल्थ और सेफ्टी से ही आते हैं। इन्वायरमेंट से हमारे कह सकते हो 3 से 4 क्वेश्चन तक पूछे जा सकते हैं। ओके, तो लगभग मैं अंदाजा लगाऊँ ये 10 के आसपास हो गया, ये हमारा कह सकते हो 3 से 4 क्वेश्चन, और ये भी अप्रॉक्स तुम्हारा 10 के आसपास पहुँच रहा है। हरा टोटल हमारा देखा जाए तो लगभग जो है ना 40 क्वेश्चन के आसपास आएगा। थोड़ा सा और टॉपिक बढ़ सकते हैं इधर उधर, हरा आप लिटरेसी को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, तो टोटल जो इसमें से क्वेश्चन बनेंगे वो हमारे बनते हैं, ध्यान रखिएगा, आपके 40 क्वेश्चन के आसपास, है ना। तो आपको पूरे के पूरे 40 क्वेश्चन इन्हीं सारे चैप्टरों से देखने को मिलेगा। अब सवाल ये है कि ये सारे चैप्टर अब हम लोग तैयार कैसे करें, मुद्दे की बात तो यही है कि हम लोग इसको तैयार कैसे करें। तो तैयार करने के लिए आपको करना क्या है, थोड़ा सा आप गौर से देखिए, तो मैं कुछ चैप्टर पे हाईलाइट करता हूँ, आप वाले चैप्टर जरूर देखिएगा। एक तो आप देखिए यूनिट और मेजरमेंट को, मास, वेट और डेंसिटी देखिए, वर्क पावर और एनर्जी देखिए, उसके अलावा आप स्पीड और वेलोसिटी देखिए, ध्यान सुन दिया ना, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी देखिए, लीवर्स देखिए, हीट एंड टेम्परेचर को देखिए, उसके अलावा बस इतने चैप्टर। तो ये चैप्टर आप गौर से देखिए तो ये चैप्टर आपके फिजिक्स के चैप्टर है। अगर ये चैप्टर तुम्हारे फिजिक्स के हैं तो इसका सीधा सा अर्थ यही है बच्चा कि आप लोग को अगर पहले फिजिक्स पढ़ ली जाए तो कहीं ना कहीं बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग खत्म हो चुकी, समझ पा रहे हैं ना। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि यही वाले चैप्टर फिजिक्स के हैं, और हम लोग क्या करना है, मंडे से यूट्यूब पर मंडे से पहले, सबसे पहले हम लोग फिजिक्स की क्लास स्टार्ट करेंगे ठीक शाम 7 बजे। तो आप सब लोग एकदम रेडी रहिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो जिसमें साइंस पूछी जाती है, हरा वैसे ज़्यादातर बच्चे मेरे से रेलवे वाले जुड़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग अन्य किसी एग्जाम की तैयारी करते हो तो इसको नहीं देख सकते। आप बिहार CGL की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप अभी वो 8 ऑपरेटेड करके वैकेंसी आई है उसकी तैयारी कर रहे हो, हरा तो आप मेरे से फिजिक्स पढ़ सकते हो। डिफेंस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एक बार फिजिक्स को कंप्लीट पढ़ लीजिए थ्योरी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, तो ये सारे टॉपिक तो क्लियर हो ही जाएंगे। अन्य किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो वो भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो याद रखिएगा मंडे शाम 7 बजे हम लोग फिजिक्स को शुरुआत करेंगे और पहला चैप्टर हमारा यही होगा यूनिट और मेजरमेंट के साथ। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तैयार रखिएगा। इस वीडियो में कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा कि आप लोग अभी किस एग्जाम की तैयारी करते हैं ताकि हम लोग उस चीज को और अच्छे से बढ़ा सकें। धन्यवाद।